आजकल कैमरा में ना ऐसे बहुत सारे ऐसे पेचीदा से अनोखे से फीचर आने लगे हैं। किसी में मतलब एक कैमरा होता है, किसी में दो कैमरा, किसी में तीन, में किसी में उल्टा हो गया आ रहा है, किसी में चार कैमरा है। तो एक चार कैमरे वाला फोन आप में से काफी सारे लोग और मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि मतलब इसमें भाई कैमरे इसके बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। इसमें ऐसे आप देख सकते हो एक दो तीन और एक चौथा कैमरा है, छोटा वाला बिंदी सा बना हुआ है। और हमने काफी सारी ऐसे सामग्री सी ऐसे मस्त मस्त चीजें इकट्ठा कर ली है और इसमें लेंसेज काफी सारे हैं। और मेरे को चेक करना था कि मतलब एक्चुअल मतलब ऐसे जो जूम वाले लेंसेज हैं इसके अंदर और वाइड एंगल वाले हैं उसके साथ में ऐसे फेर बदल करके ऐसे अलग अलग चीजें लगा के देखूंगा तो क्या होगा। तो मैं आपको सोचा आज साथ में मजे करते हैं और साथ में थोड़ा ऐसे मस्त कैमरे के साथ टाइम पास करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हम इस वाले फोन के साथ करने की कोशिश करेंगे, फ्लाइंग एविएशन टेस्ट, जो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से बना है, बहुत ही मेहनत, लगन और परिश्रम। तो सबसे पहली बात, एक फ्लैगशिप फोन है और इसमें मतलब काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। बट अगर आप इसमें कैमरे को देखो, चार जो सेंसर हैं, सबसे ऊपर वाला जो है ये वाइड एंगल सेंसर है, बीच वाला मतलब प्राइमरी सेंसर है, उसमें मतलब काफी सारे मेगापिक्सल एक्सेल है। और जो सबसे नीचे वाला ना, इसको अगर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे मतलब ये थोड़ा अलग सा ऐसे पेचीदा सा है। और ये एक्चुअली जो पेरिस्कोप होता है ना, मतलब ऐसे पनडुब्बियों में और इन सब में ऐसे ऊपर उठ के ऐसे कैमरा से निकल के आता है, उसमें मस्त मस्त चीज़ें दिख जाती हैं बाहर की, बट पनडुब्बी अंदर होते हैं। तो वो वाला ऐसा कुछ सेटअप है इसके अंदर जिसकी वजह से मतलब 50 टाइम्स जूम कर लेता है और उसमें मतलब आप क्लियरली देख पाते हो ऑब्जेक्ट को। भाई ये 50 टाइम्स बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यूजुअली जितने फोन होते हैं वो 5x या 10x में वो ब्लर आउट होने लगते हैं और कुछ भी डिटेल नहीं कैप्चर होती। और जो छोटा वाला है वो डेप्थ के लिए, भाई हम भी एक दूसरे फोटो को लेके देखते हैं कि मतलब बाल की खाल उखाड़ पाते हैं कि नहीं। मुहावरे कभी कभार मैच नहीं करते, बट ठीक है। तो हम बाहर थोड़ा सा गए थे और आप जैसा कि देख सकते हैं मतलब ये एक ठेले वाला खड़ा था जो मतलब सब्जी वब्जियाँ बेच रहा था, और उसको हमने मतलब कैप्चर करने की कोशिश करी तो बहुत ही ज़्यादा जूम हो गया था और उसके आलू मतलब फुल डिटेल में आपको देखने के लिए मिल रहे थे। और एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हाई क्वालिटी इमेज तो नहीं निकल गए 50x से, बट ऐसे देखने के लिए मिल जाता है जो नॉर्मल आग से नहीं देखने मिलता, वो इंटरेस्टिंग है। बट 10x तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रहती है, वो अच्छी चीज़ है। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो 50x जूम वूम बढ़िया है और मतलब एक्चुअली इसमें डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है अगर आप सेल्फी वेल्फी में भी देखें। पर जो एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन है मतलब वो मेरे को इंडियन स्किन टोन्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा से अप्रोप्रिएट नहीं लगी। बट एक्चुअली अगर आप एडिटिंग करते हो तो मेरे हिसाब से मतलब अच्छी फोटो निकाल सकते हो आप। और एक्चुअल जो डिटेल आती है वो मतलब ऑलमोस्ट हर सेंसर में, चाहे वो वाइड एंगल हो, चाहे वो मतलब नॉर्मल वाला हो, चाहे वो सेल्फी वाला कैमरा हो, सब में बहुत ही तगड़ी। तो भाई अब टाइम आ गया अपनी ऐसे सामग्री की पेटी खोलने का और आपको दिखाता हूँ शुरू में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। मेरे को ऐसे पर्सनली फोटोग्राफी का मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ऐसे खींचता रहता हूँ रैंडम चीज़ों की फोटो। इसमें पहले वाले में तो कुछ है नहीं, रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इस सेकेंड वाला जो है कंपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर मोबाइल वाली चीज़ें हैं। ये मोबाइल का ये बड़ा सा लेंस है और ये भी छोटे छोटे लेंसेज हैं, मतलब ये छोटा तो डेफिनेटली नहीं है बट ठीक ठाक छोटा है। और ये वाला भी मतलब फिश आई लेंस है, तो इसको ट्राई करेंगे वाइड एंगल को फिश आई से मिला के, मतलब ऐसे पूरा वाइड को भी अल्ट्रा वाइड पीछे का भी दिखने लगे। और ये वाला सबसे छोटा लग रहा हूँ बट मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मैक्रो लेंस है और ये मतलब एकदम घुस के ऐसे डिटेल वाली फोटो जो पास पास की चीज़ें होती है ना उसमें कैप्चर कर लेता है। तो इसको देखते हैं भाई, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एक एक करके ट्राई करते हैं और थोड़ी बहुत वीडियो भी बना के देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे मतलब ये थोड़ा बड़ा वाला लेंस, ये एक्चुअली हल्का जूम लेंस है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब और भी आपको सस्ती क्वालिटी के मिल जाते हैं ऑनलाइन, बट ये थोड़ी महंगी क्वालिटी का जो मैंने मतलब चाइना से मंगाया था। तो बेसिकली इस वाले लेंस से होता क्या है ना कि हल्का सा ऐसे जूम इन कर देता है, क्रॉप इन कर देता है, तो आपको मतलब बोके अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने के लिए मिल जाता है अपनी फोटोज़ में। और अगर आप समझ लो ऐसे पोर्ट्रेट वोट्रेट ले लो तो ये नेचुरल जो बिना पोर्ट्रेट मोड के बैकग्राउंड ब्लर होता है ना, जो नेचुरल सेंसर की तरफ से आता है, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे को ये अच्छा लगता है बट ये बहुत भारी सा है, उसको कैरी यारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड ब्लर नहीं देखने के लिए मिलता। तो जैसे मैं एग्जांपल के दिखाऊं, ये नॉर्मल वाली फोटो है बट इसको जब हमने अपने ऐसे हल्का जूम लेंस के साथ दिया था तो आप देख सकते हो कि मतलब कॉम्पोजिशन में फ्रंट वाला पार्ट जो है ब्लर आउट हो रखा है और ये अच्छे से जूम फोकस में आ रखा है। तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे थोड़े एक्सपेंसिव कैमरा से लिया फोटो और मतलब DSLR वाला हल्का सा फील आ जाता है इसमें। ये नेक्स्ट वाला फिश आई लेंस है, ये मतलब एक्चुअली वाइड एंगल में करने के लिए होता है नॉर्मल वाले फ़ोन को, बट भाई इसको वाइड एंगल वाले कैमरे में लगा के देखते हैं कि मतलब एक्चुअल पीछे का दिखता है। पीछे का तो नहीं दिख पाएगा बट दुनिया गोल है कि नहीं आज पता चल जाएगा आप लोगों को। तो ये वाला लेंस एक्चुअल वाइड एंगल लेंस है, इससे मतलब बहुत ही अजीब ऐसे मछली की आंखों वाला जो इफेक्ट होता है ना, उसी वजह से फिश आई, क्योंकि फिश की आंखें ना ऐसे बहुत ज़्यादा से वाइड एंगल तक देख पाते हैं कि उसकी वजह से शार्क आर्क देखनी होती है, उसकी पूंछ ना चबा जाए। तो भाई काफ़ी अजीब सा है बट ऐसे इंटरेस्टिंग सा भी है।
और ये ऐसे नॉर्मल वाइड एंगल अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल वाइड एंगल है, और ये मतलब आपको लग रहा होगा वाइड है, बट भाई इसको लगा के तो अलग ही लेवल का वाइड एंगल दिख रहा है भाई। नेक्स्ट वाले जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ये जो मतलब एकदम छोटा सा है, ये मतलब लगता भी नहीं है कि लेंस लगा हुआ है, ये है मैक्रो लेंस, और इससे मतलब बहुत ऐसे डिटेल से अजीब से शॉट आ जाते हैं जो ऐसे लगता है कि मतलब कोई ऐसे माइक्रोस्कोपिक कैमरे से लिए हैं। और इसको मतलब अगर ला के देखेंगे हम भाई नॉर्मल वाले और वाइड एंगल कैमरे में, तो भाई मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है कि देखने में कैसी डिटेल से आती है। तो भाई ये हमने ना लगा लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लरी आता है अनटिल अगर आप एकदम इसको पास में लेके जाओ, और एकदम पास में लेके जाओगे तो आपको भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिटेल देखने के लिए मिलती है। मतलब ये मैं एक फ़ोटो आपको खींच के दिखाता हूँ, और एक दो और मैं आपको टेक्सचर की फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ। और इस वाले से ना बहुत ही ज़्यादा से इंटरेस्टिंग से शॉट आते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो इसने बहुत ही ज़्यादा से डिटेल्ड शॉट लिया है। और ये एक्चुअली बस एक कपड़ा है जो आपको मतलब इसमें तो आंखों से वो बिल्कुल टेक्सचर भी नहीं दिखता है, बट इसमें भाई ये काफ़ी ऐसे रेतीले दानों वाला लिया है, और इसको भी अगर आप जूम करके देखो तो आपको रेशे रेशे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेरे को ये सब भाई देखना बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। और सॉल्ट लैम्प की भी लेके ट्राई करते हैं भाई, सॉल्ट लैम्प में कितना नमक हिमालयन देख ही लेते हैं। ये वाली नॉर्मल फोटो है, और ये वाली मतलब उस वाले लेंस के साथ है, और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई बहुत ही तगड़ी डिटेल आ जाती है। एक्चुअली इसका सेंसर भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है फोन का, मतलब डिटेल तो बहुत ही तगड़ी आती है इस वाले सेंसर के साथ, और प्लस भाई वाइड एंगल और ऐसे अनोखे ऐसे लेंसेज लगा दिए। एक और बचा है लंबा वाला, ये जूम वाला लेंस है, और इसको हम 50x जूम वाले लेंस के साथ ऐसे पेयर करके देखते हैं कि एक्चुअली चांद तक हम ऐसे पहुंच पाते हैं कि नहीं। चांद की तो नहीं लेंगे, बट उस साइड से कैमरा पड़ा उसकी एक बार ट्राई करते हैं। तो भाई एक्चुअली इस वाले लेंस के साथ ना फोटो वोटो लेना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि इसको फोकस भी करना रहता है, उसके बाद मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जूम हो गया तो हाथ ऐसे हिल विल भी रहते। बट मैंने एक दो फोटोज लेने के ट्राई करी है। ये एक्चुअली जो 50x जूम वाला था वो है, और इसमें भी आपको डिसेंट क्लियरिटी देखने के लिए मिल रही है। और ये वो जो 6x वाला लेंस लगाया था हमने उसके साथ है भाई, मतलब फोटो तो इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, बट आपको ऐसे हल्का सा अंदाज लग जाता है कि भाई क्या दिख रहा है। बट एक्चुअली इसके 50x जूम से ही मतलब थोड़ी मतलब ऐसे बहुत ग्रेनी सी इमेज है, बट आप इसको एटलीस्ट देख कहीं ऐसे शो ऑफ करने के लिए बढ़िया है। एक लास्ट फीचर जो मेरे को इस वाले फ़ोन में इंटरेस्टिंग लगा, जो मतलब मैंने और फोन्स में नहीं देखा है, वो है कि मतलब आप कैमरे के साथ ना यूजुअली क्या होता है पोर्ट्रेट मोड खाली फोटोज में होता है, बट इसमें पोर्ट्रेट मोड वीडियो में भी है, मतलब बैकग्राउंड ब्लर आप वीडियो बनाते टाइम भी कर सकते हो। तो ये मैंने कभी मेरे को ऐसे लगा था कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा, तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वैसे मेरे को ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट तब भी गिम्बल के साथ ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा स्टेबल सा रहेगा तो देखते हैं भाई क्या इनपुट आता है हमारा बढ़िया से। और वैसे गिम्बल भी काफ़ी पेचीदा सा आइटम है, इसको मतलब मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ फोटोग्राफी के लिए, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सी कर देता है वीडियो, और मेरे को इससे खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट अभी के लिए भाई इसको थोड़ा एक वो वीडियो वाली बना लेते हैं, इसके साथ बढ़िया चेक कर लेते हैं। भाई ये है अपर्चर मोड, और इसमें पता चल जाएगा भाई एक्चुअली मतलब ब्लर कैसा होता है, ये कभी पता चले सर भी पूरा ब्लर आ रहा है, ऐसे छाती आती पूरी ब्लर हो चुकी है, बट मेरे को लाइक होप है मतलब थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का हो जाए, मतलब अपने दोस्तों वोस्तों को ऐसे खुश करने के लिए शो ऑफ करने के लिए, बट आप बताओ कमेंट सेक्शन में। तो भाई अपर्चर मोड वीडियो के टाइम पे बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, चेहरा वेरा पूरा ब्लर हो रहा था, हो सकता है आगे फ्यूचर में आके ठीक हो जाए, बट अभी के लिए इंटरेस्टिंग फोन है काफ़ी, मतलब कैमरा हमने डाल दिया था, मेरे को लगा था कि मतलब ज़्यादा कैमरा होता है यूजलेस सा हो जाता है, बट टाइम पास करने में तो काफ़ी मज़ा है। और एक्चुअली मैं वाइड एंगल से काफ़ी फोटो ले लगा हूँ आजकल, मतलब ये वाली जो फोटो थी जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी, मतलब काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पर मैंने डाली हैं, वो मतलब सारी वाइड एंगल से खींची हुई है, तो एक्चुअली काम आ जाते हैं कभी कभार ये ऐसे ये वाले सेंसर। और मतलब जैसे कॉन्सर्ट में तो जूम वाली ऐसे यूज़ कर लेते हो, तो एक्चुअली यूज़ करते रहोगे तो पता चलेगा, और आगे देखते हैं यार फ्यूचर क्या होता है कैमराज का, हो सकता है 10 कैमरा वाले स्मार्टफोन। मैं एक्साइटेड हूँ, चलो हाँ मेरे को आप भी बताना कमेंट सेक्शन में 10 कैमरा वाले किस किस को चाहिए। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हमने अप्रैल फूल्स डे पे इन्वेंट करा था। ओ माय गॉड गाइस ये अभी भी उड़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया काम करती है।